फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सी रहती है पेरेंट्स को कि वो जो बच्चे हैं उनको वो उनमें एजुकेशन तो डेफिनेटली दिलवानी है, लेकिन वो जो दो पैरेलल स्ट्रीम चल रही हैं, एक तो हमारी लोकल मैट्रिकुलेशन यहाँ पे FSC स्ट्रीम चल रही है और एक कैम्ब्रिज को लेके जो OA लेवल्स चल रहा है, इन दोनों में से कौन सी स्ट्रीम में बच्चों को जो है पढ़ाना चाहिए और कौन सी उनके फ्यूचर को लेके ज़्यादा सिक्योर और बेहतर है, तो लोग इसमें कई दफ़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मेरा ये आइडिया था कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें मिनिमम टाइम में जितना भी पॉसिबल हो सके इन दो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सके, ताकि आसानी हो कि बच्चों को जो है वो कौन सी स्ट्रीम में लेके जाएँ। तो सबसे पहले हम जो हमारी लोकल मैट्रिकुलेशन सिस्टम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैट्रिक जो सिस्टम है उससे तो बहुत ज़्यादा लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं। हर शहर ने अपना एक मैट्रिक इंटरमीडिएट बोर्ड जो है वो बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली एक सिलेबस होता है और बहुत सारे स्कूल जो उसके साथ रजिस्टर्ड हैं वो बच्चों को उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं और बच्चे जो हैं वो फिर उस बोर्ड में जाके एग्ज़ाम देते हैं और दे कैन डू द मैट्रिक्स और इंटरमीडिएट FA FSC जो भी है वो कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम अपने बच्चों को OA लेवल्स करवाएं या फिर मैट्रिक करवाएं। तो देखें, दोनों सिस्टम्स में जब हमने किसी एक सिस्टम को ऑप्ट करना है तो डेफिनेटली हमें सबसे पहले ये देखना होगा कौन सा जो सिस्टम है वो हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। यही वो मेन चीज़ है जिसे हमें कंसिडर करते हुए ये फैसला करना है कि हम अपने बच्चों को मैट्रिक लोकल सिस्टम में रखें या OA लेवल्स में लेके जाएँ। तो बारी बारी हम ज़रा दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है वो तो डेफिनेटली काफ़ी सालों से एक ट्रेडिशनल और एक कंजर्वेटिव बेस के ऊपर चल रहा है। कुछ इन्हांसमेंट्स या अपडेट्स होती रहती हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स नहीं होती हैं जो कि हमारा जो करंट टेरा चल रहा है उसकी ज़्यादा नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। हमारे पास मैट्रिक के अंदर हर शहर का एक अपना बोर्ड होता है, उस बोर्ड के अकॉर्डिंग वो पेपर देते हैं और मैट्रिक कर लेते हैं। लेकिन मैट्रिक सिस्टम को लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम उसको देखें तो उसमें कोई सब्जेक्ट डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, करिकुलम अपडेटिंग करने के लिए कोई ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इतना बेहतर नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा स्कूल्स देखें तो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ ऐसा प्लान नहीं किया ताकि हम अपना जो लोकल सिस्टम है उसको और जो कैम्ब्रिज सिस्टम है इन दोनों को आपस में मर्ज, इन दोनों के कुछ फीचर्स को डिस्कस करके कुछ ऐसा यूनिफॉर्म सा जो सेटअप है या एजुकेशन सिस्टम है उसको लाया जाए, ताकि सारे के सारे लोग जो हैं वो एक यूनिफॉर्म सिस्टम को फॉलो करें और उससे जो है फिर हम एक एज अ नेशन जो है वो डेफिनेटली बनेंगे और एक बेहतर एजुकेशन का सिस्टम जो है वो यहाँ कंट्री में प्रिवेल करेगा। ऑल्दो के कुछ लोग अब OA लेवल्स कर रहे हैं, एक अच्छा पैटर्न है, एक अच्छी स्कीम ऑफ स्टडी है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि उससे हम एक नेशन नहीं बन पा रहे। क्यों? वाई? बिकॉज एक स्मॉल ग्रुप ऑफ लोग जो हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, दे आर गोइंग टूवर्ड्स द OA लेवल स्ट्रीम A लेवल स्ट्रीम, लेकिन उससे हम एक या दो दीवारें बना रहे हैं, लेकिन हम एक छत डाल के एक घर नहीं बना सकते। एक घर या एक नेशन के तौर पे हम उसी वक्त वर्ल्ड में ग्रूम करेंगे या हमारी रिकग्निशन होगी जब हम एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाएं और जो सबके सबके लिए हो और वो बेस कर रहा हो सारी एडवांस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा हो, उनके ऊपर बेस कर रहा हो, ताकि लोग जो हैं उसको, बच्चे जो हैं उसको पढ़ें और फिर एक बेहतर एजुकेशनिस्ट, बेहतर इंजीनियर, डॉक्टर्स या जो भी प्रैक्टिकल फील्ड जिसमें भी जाएं वो बेहतर परफॉर्म कर सके और हमारा मुल्क भी जो एक्सेल करे और हम भी मुस्तकबिल में फ्यूचर में कभी जापान बन सकें या चाइना बन सकें। टाइम को सेव करते हुए OA लेवल को समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पाकिस्तान में OA लेवल चल रहा है या A लेवल चल रहा है, जो कैम्ब्रिज सिस्टम है, वो क्या है, उसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या पैटर्न है और वो किस तरह से वर्क कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करते हैं प्रिंसिपली हम। जो हमारा OA लेवल या कैम्ब्रिज का सिस्टम है उसको समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आप ये देखिए कि जो OA लेवल का सारा सिस्टम है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो डिज़ाइन करती है OA लेवल के कोर्स को, वही एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, एक करिकुलम डिज़ाइन करती है, स्कीम ऑफ वर्क बनाती है, उसकी अपडेटिंग का एक प्रॉपर सिस्टम है। और होता ये है कि हर कंट्री के अंदर और हर कंट्री के हर सिटीज़ के अंदर कुछ लोकल ब्रिटिश काउंसिल के ऑफिस हैं और वो उनके वाया आप सारी कम्यूनिटी से इंटरेक्ट हो रहे होते हैं। अब होता ये है कि किसी भी शहर में बहुत सारे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो क्या करते हैं कि जब वो उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर लेते हैं
तो फिर ब्रिटिश काउंसिल के वाया वो उनके साथ अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेते हैं और उनका एक रजिस्टर्ड सेंटर में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और उनको एक रजिस्टर्ड का एक रजिस्टर्ड सेंटर नंबर मिल जाता है और इस तरह से वो अपने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसी रजिस्टर्ड नंबर के साथ फिर कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करवा देते हैं और वो फिर वो एग्ज़ाम को जो है वो सारा क्वालिफाई करते हैं और फिर दे कैन गेट द ओ लेवल सर्टिफिकेट फाइनली और उसके बाद फिर वो ए लेवल्स की तरफ जाते हैं। तो ये तो एक उसका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो ओ ए लेवल्स के कोर्सेज को प्लान करती है, उसके करिकुलम, उसके स्कीम ऑफ वर्क, उसके एग्जाम पैटर्न, उसके सारी चीज़ों को मैनेज करती है वाया लोकल ब्रिटिश काउंसिल ऑफिसेस। अब हमने देखना ये है कि जो ओ लेवल है बेसिकली हम उसकी तरफ जाना चाहते हैं तो क्या वो बेसिक साइलेंट फीचर्स हैं ओ लेवल के जिसकी वजह से हमें ओ लेवल को अपट कर लेना चाहिए। देखें सबसे बड़ा फीचर जो सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए तो अफोर्डेबिलिटी है। क्यों, वाई, बिकॉज फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो ओ ए लेवल स्ट्रीम है वो पहला नंबर तो ये कि वो एक्सपेंसिव है। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, इफ़ द आंसर ऑफ अफोर्डेबिलिटी इज़ येस, कैन यू अफोर्ड द ओ लेवल स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, द एक्सपेंसिस ऑफ ओ लेवल स्ट्रीम, तो अगर उसका आंसर येस है तो डेफिनेटली यू शुड मूव टूवर्ड्स द ओ लेवल। अगर आपका एक्सपेंसिस को ही आप मीट नहीं कर पा सकते तो फिर तो देर इज़ नो अदर वे, आप तो फिर जाहिर है मैट्रिकुलेट सिस्टम में ही जाएं, लेकिन उसमें भी आप डिसअपॉइंट ना हो, फिर बच्चों को ये कहें कि वो पढ़ने के साथ साथ कुछ खुद सेल्फ रिलाय करें। इसकी कुछ वेबसाइट्स हैं कैम्ब्रिज की, वहाँ जाएं, उनके रिसोर्सेज, उनके पैटर्न को भी स्टडी करें और सेल्फ जो एफर्ट्स हैं उस पर बेस करते हुए अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम भी साथ करते रहें। अगर हमें ओ लेवल पढ़ना है तो सबसे पहले इसके साइलेंट फीचर में एक इम्पॉर्टेंट साइलेंट फीचर है जो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, डाइवर्सिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स। उसके बाद हम कह सकते हैं बेटर स्कीम ऑफ वर्क, करिकुलम अपडेटिंग जो प्रॉपर तरीके से होती रहती है, फिर उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम या असेसमेंट क्राइटेरिया है वो कैसे हैं, और फिर उसके बाद उसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन। ये वो चार या पाँच इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी बेस पर हम चाहते हैं कि हम बच्चों को ओ लेवल स्ट्रीम पर लेके जाएँ। हम एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की है डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट्स, तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं, एक कॉमन सब्जेक्ट्स के अलावा जो बच्चे पढ़ रहे हैं उर्दू इस्लामिया, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। वो क्यों इसके साथ रखे गए हैं, ताकि ट्रेडिशनली जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ बच्चे फ्यूचर में बेसिकली क्या करना चाहते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, उनका एप्टीट्यूड क्या है, उसको देखते हुए कुछ सब्जेक्ट्स वो अभी से एक्स्ट्रा साथ ऑप्ट कर सकते हैं ताकि उनके कॉन्सेप्ट्स लेके एक कंक्रीट फाउंडेशन बनेगी, ताकि फ्यूचर में वो फिर जब यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो फिर फर्दर रिसर्च वर्क या उसके ऊपर ज़्यादा बेहतर नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स को इंसर्कल किया गया है, स्टूडेंट्स ना सिर्फ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं साइंसिस के या दूसरे ह्यूमनिटीज ग्रुप के, बल्कि इसके साथ बहुत ज़्यादा दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इंसर्कल किया गया है। दैट इज़ वाई ओ लेवल में अगर हम लेके जाते हैं बच्चों को तो हम पहले ही स्पेसिफिक होते हैं कि हमारे बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, फ्यूचर में वो क्या बनना चाहते हैं, हम उसको अभी से फैसला करके उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक ही हम कोई ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट साथ ऐड कर देते हैं ताकि फ्यूचर में जाके वो अपना बेहतर लाइफ को या बेहतर प्रोफेशन जो है वो ज्वाइन कर सके, अपने आप की ग्रूमिंग बेहतर कर सकें। तो डाइवर्सिटी ऑफ सब्जेक्ट एक बहुत बड़ा सैलेंट फीचर है जिसकी वजह से हमें वो लेवल्स की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो स्कीम ऑफ वर्क है, जो आपका करिकुलम होता है, जो भी हमने देखा करिकुलम अपडेटिंग, एक करिकुलम बनाया जाता है उसकी कंटिन्यूसली अपडेटिंग की जाती है, इक्वल आफ्टर इक्वल टू और थ्री इयर्स गैप उसको अपडेट किया जाता है और उसकी एक प्रॉपर स्कीम ऑफ वर्क बनती है कि हाउ द टीचर हैज़ टू टीच द स्टूडेंट्स, किस तरह कितने टाइम के ऊपर क्या चीज़ पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, उसके साथ कौन से रिसोर्सेज यूज़ होंगे, कौन सी बुक्स यूज़ हो सकती हैं। कोई स्पेसिफिक बुक्स नहीं है, बहुत सारे रिसोर्सेज को आप फॉलो करके तो अपने ओ लेवल्स या ए लेवल्स के जो करिकुलम है उसको वो आप उससे आप कोप कर सकते हैं। डेफिनेटली फिर इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एग्जाम क्राइटेरिया, असेसमेंट क्राइटेरिया। अब हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल तरीका होता है कि जो भी आप मैट्रिकुलेट सिस्टम या FSC में जाते हैं फिर आप कुछ महसूस क्वेश्चंस याद कर लेते हैं, उनको आंसर कर लेते हैं और आप मार्क्स ले लेते हैं, लेकिन अगर हम उन्हीं टॉपिक्स को, लेट्स से फिजिक्स में आपने एक लाइट का टॉपिक पढ़ा और हम उस लाइट के टॉपिक को लेकर ही मुख्तलिफ सिनेरियो में आपको जब वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपने तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस लर्न किए होते हैं और आपने यही सीखा होता है उनके आंसर्स किस तरह से करने हैं। लेकिन ओ लेवल्स के अंदर आपका एग्जाम या असेसमेंट क्राइटेरिया ये होता है कि आपने जो भी कुछ लर्न किया है उसकी बेस पर डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक सिनेरियो गिवन होता है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं
और जिससे बच्चे के एक्चुअल कॉन्सेप्ट्स को चेक किया जाता है। इंटरनेशनल रिकग्निशन है, अगर आप ओए लेवल करते हैं आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसकी इंटरनेशनल रिकग्निशन है। बच्चे बाहर पाकिस्तान से कहीं भी पढ़ने जाते हैं उन्हें कोई डिफिकल्टी नहीं होती, हर जगह के ऊपर उनके एडमिशन्स को जॉब पॉइंट से भी उन्हें ईजिली एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये कुछ सेलियंट फीचर्स हैं जिसकी वजह से हम फील करते हैं कि हमें बच्चों को ओ लेवल्स की तरफ लेकर जाना चाहिए। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ओ लेवल का क्या पैटर्न है, सब्जेक्ट क्या ऑफर होते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, तो वो बहुत ईजी है। मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझा देता हूँ कि ओ लेवल जो है वो क्या, उसका मैकेनिज्म है, किस तरह से उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट कैसे ऑफर किए जाते हैं और उसको कैसे हमने प्लान करना है। लेट्स मूव टू द बोर्ड। तो ओ लेवल जो है इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्मली हमारे पास एक साइंस का ग्रुप होता है, ठीक है जी, एक हमारे पास बिजनेस ग्रुप है, ये दो मेन ग्रुप हैं, साइंस ग्रुप और बिजनेस ग्रुप। जो हमारे पास साइंस का ग्रुप है इसके अंदर फर्दर दो ग्रुप्स हैं, एक को हम बोल सकते हैं प्री मेडिकल और एक ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं प्री इंजीनियरिंग, ठीक है जी। जो प्री मेडिकल है इस पे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स ओ लेवल के अंदर आपके पास इंग्लिश है, ठीक है जी, आपके पास मैथ्स है, आपके पास इस्लामिया, आपके पास पाकिस्तान स्टडी, ठीक है जी, और आपके पास होता है पांचवा सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, मैथ, इस्लामिया, पाकिस्तान स्टडी और उर्दू। ये फाइव इनके पास एक कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ये फाइव सब्जेक्ट तो कंपलसरी हैं जो बच्चों को डेफिनेटली पढ़ने हैं, और इसके बाद वो फिर कोई से तीन, क्योंकि ओ लेवल जो है उसके अंदर बच्चों को बेसिकली आठ सब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं ओ लेवल को क्वालिफाई करने के लिए, पांच कंपलसरी हैं और कोई से तीन दूसरे, वो तीन जो है स्टूडेंट्स अपने स्पेसिफिक कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है उसके मुताबिक वो सिलेक्ट करते हैं। तो साइंसेज के अंदर प्री मेडिकल अगर उन्होंने पढ़ना है तो डेफिनेटली वो फिजिक्स लेंगे, वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर उसके साथ उनके पास बायोलॉजी होगा, ठीक है जी। लेकिन अगर वो प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं तो फिर उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन बायोलॉजी के जगह वो दो चीज़ें ऑप्ट कर सकते हैं, एक तो वो कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं और फिर उसके साथ पैरेलल एड मैथ का सब्जेक्ट है वो भी वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये दो बेसिकली साइंसेस को लेके ग्रुप्स हैं कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ। मेडिकल की बात करें तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का ले सकते हैं, और प्री इंजीनियरिंग की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ वो कंप्यूटर साइंस या एड मैथ्स को ले सकते हैं। एंड दिस इज हाउ दे कैन मूव टूवर्ड्स देयर स्पेसिफिक फील्ड्स, आप उन्होंने मेडिसिन की तरफ जाना है या इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ओ लेवल्स में साथ ही पैरेलल ऑफर किया जाता है जिसको बिजनेस ग्रुप बोलते हैं, जिसके अंदर बेसिकली पांच सब्जेक्ट्स तो यही लेंगे और उसके बाद वो ले सकते हैं अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, और फिर उसके बाद उनके पास एक चीज होती है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। तो ये पांच सब्जेक्ट के साथ अगर वो ये तीन सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो बिजनेस ग्रुप की तरफ जा सकते हैं, जो कि नॉर्मली हमारे लोकल सिस्टम के अंदर ऐसा कोई वो ऑप्शन नहीं है। अब बच्चों ने बेशक उसके पास साइंसेस में नहीं भी जाना तो उनके पास यही कंपल्शन है कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हालांकि अगर उन्होंने उसके बाद ACCA CA करना है या कोई MBA करने हैं किसी भी और इस तरह की एजुकेशन की तरफ जाना है तो डेफिनेटली अगर वो ओ लेवल में ही ये सब्जेक्ट पहले से ऑप्ट कर लेंगे तो फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग और बेहतर उनकी एक फाउंडेशंस बन सकेंगी। तो यहाँ पे बिजनेस के लिए ये सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो सब्जेक्ट के लिहाज से हमने देख लिया कि पाँच आठ सब्जेक्ट टोटल चाहिए एक बच्चे को ओ लेवल करने के लिए, और उसके बाद पांच जो उसके पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और उसके साथ साइंस ग्रुप में अगर उसने जाना है प्री मेडिकल में तो तीन ये हैं, तीन ये और उसके बाद बिजनेस के लिए ये सब्जेक्ट्स हैं। अब ये तो हो गए सब्जेक्ट, और फिर कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स साथ ऑफर किए जाते हैं जिसमें आर्ट एंड डिज़ाइन है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, उसमें आपके पास टेक्सटाइल, मीडिया स्टडीज और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चा अपना एप्टीट्यूड देखते हुए कि वाकई अगर श्योर है कि फ्यूचर में उसने किस तरफ जाना है तो वो अपने ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ जो उसने लिए हैं उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी ले लेता है, जिसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको अभी से वो लेके क्या करता है वो स्पेसिफिक हो जाता है कि फ्यूचर में मैंने क्या करना है। तो ये सब्जेक्ट का भी साथ नॉलेज होगा तो फिर आगे चल के डेफिनेटली इट विल बी वेरी ईजी फॉर द स्टूडेंट, ताकि वो फिर आगे उसमें फर्दर कॉन्सेप्ट लेके अपनी ग्रूमिंग प्रोफेशनलिज्म अपने आप में ज़्यादा लेके आ सके, प्रोफेशनल एजुकेशन जो है उसको बेहतर तरीके से ले सके।
तो ओ लेवल्स की हमने कुछ सेलियंट फीचर देखे, उसके ग्रुप्स और सब्जेक्ट्स देखा। अब हम ये देखते हैं कि जो ओ लेवल के एग्जाम हैं पाकिस्तान के अंदर साल में 2 दफ़ा कंडक्ट किए जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मई जून और अक्टूबर नवंबर। तो आई होप इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, अब आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग है, आप ये सारी चीज़ें समझने के बाद इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप अपने बच्चों के लिए एक बेहतर साइट सेलेक्ट कर सकें। अगर फर्दर आपको कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में पूछना हो तो मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको आप फॉलो करें, इसके ऊपर जो है आप मुझसे फर्दर क्यूरीज कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम।